बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुडिया ब्यूटी सीक्रेट। में मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्किन वाइटनिंग, स्किन ग्लोइंग, स्किन टाइटनिंग एक फेशियल लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ आप लोगों को जो मैं बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा आप इजी वे में अपने घर में आराम से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फेशियल ले सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कोई भी महंगे महंगे फेशियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, आज की इस रेमेडी में मैं आपको 3 स्टेप में बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फेशियल बताऊंगी और बहुत ही इजी वे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। उससे आप लोगों को मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर आप लोग वेट कर रहे होते हैं, वीडियो आप लोगों को पता नहीं लगता, तो आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की ये रेमेडी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एलोवेरा जेल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, जो कि बहुत अच्छे से हमारे हेयर को ग्रोथ करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एक्नी फेस के लिए ग्लोइंग करता है हमारे फेस को और साथ साथ वाइटनिंग करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा के जेल से जो हम 3 स्टेप में फेशियल करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त के से रिज़ल्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एलोवेरा जेल ले लें और आप लोग ने इसके इस तरह से साइड से मैंने कटिंग किए हुए हैं ये वाले लेयर्स, इस साइड से थोड़ा सा मैं कर देती हूँ इस तरीके से, और थोड़ा सा आप इस साइड से जो थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, डैमेज हो रहा है एलोवेरा जेल, आप उधर से भी कटिंग कर दें और इस तरह से इसके 4 पीस कर लें आप। देखें गाइस, दोनों साइड्स पर जेल है, प्रॉपर जेल है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा जो फेशियल होगा। गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं एलोवेरा जेल के, जो आराम से हमारी टिप में हमारी हम लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टेप, जो क्लिनजिंग है, जो हमारी स्किन को अच्छे से डीप क्लिनजिंग करेगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से एलोवेरा जेल का 1 इंच जो ये साइड है, 1 पीस ले लें, इसको इस तरह से अंदर से कट लगा लें। और इस तरीके से ये देखें, ये प्रॉपर तरीके से स्लाइस हो चुके हैं। गाइस, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने रॉ मिल्क लेना है, यानी कि कच्चा दूध, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से वाइट करने में, डीप क्लिनजिंग करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप लोगों ने लेना है, और अगर आप लोगों के पास कच्चा दूध नहीं है तो आप लोगों ने बॉइल हुआ हुआ दूध लेना है, लेकिन ठंडा लेना है, फ्रिज में उसको थोड़ी देर रख कर फिर आपने वो यूज़ करना है। गाइस, इस तरीके से ये जो मैंने स्लाइस एलोवेरा जेल का लिया था, आप लोगों ने इस तरह से इसको मिल्क में डीप कर लेना है अच्छे से। और ये देखें, इसमें मिल्क जो है प्रॉपर तरीके से आ गया है, और आप लोगों ने इस तरह से अपने फेस को अच्छे से क्लिनजिंग करना है इस तरह से। इसको थोड़ा सा आप सेट दें, ये आपका फर्स्ट जो स्टेप है, ये अच्छे से आपकी स्किन को डीप क्लींस करेगा, अंदर से जितनी भी गर्द, धूल, मिट्टी, डस्ट जितना भी है वो सब कुछ आप लोगों का जो है प्रॉपर तरीके से रिमूव करेगा। इस तरह से आप लोगों ने 5 से 6 मिनट तक इसको इसी तरह अच्छे से मसाज करना है, अच्छे से क्लींस करना है। ये मैंने अच्छे से क्लींस कर लिया है, और ये मैं अपना अब जो हैंड है इसी तरह से आपने अपने फेस पे करना है, और अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी।
गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ चलते हूँ जो हमारा स्क्रबिंग है, जो कि मेरी स्किन में से अच्छे से आप लोगों के जो फेस पे ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं, वाइट हेड्स हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही आप लोगों की स्किन डल डस्ट हो रही होती है उसमें और बहुत ज़्यादा रंग भी डल हो रहा होता है, उसको आप लोगों को जो है स्किन को बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट रहेगा वो स्क्रब आप लोगों की स्किन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्क्रब स्टेप। तो गाइस जो सेकंड स्टेप है हम लोगों का वो है स्क्रबिंग। उसके लिए मुझे चाहिए 1/2 टीस्पून यानी कि शुगर यानी कि चीनी आपने यूँ इसमें ऐड कर देनी है इस तरीके से। और उसके बाद 1/2 लेमन जूस चाहिए और जिन लोगों को लेमन नहीं सूट करता वो हनी भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसी तरह से आप लोगों ने स्लाइस लेने हैं और उसके बाद इस तरह से लेकर आप लोगों ने ये स्क्रबिंग स्टेप करना है इस तरह अपने फेस पर। ये आप लोगों ने तकरीबन 5 मिनट तक करना है इसी तरह। गाइस 5 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने इसको अच्छे से स्क्रब कर लिया है, अब मैं अपना हैंड वॉश कर लूँगी। इसी तरह आप लोगों ने फेस पर करना है। गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने अच्छे से अपना हैंड वॉश कर लिया है, इसी तरह आप लोगों ने अपने फेस पर करना है। और अब हमारा जो तीसरा थर्ड स्टेप है वो है हमारा फेस पैक, जिसकी जो हम लोगों ने क्लींस किया है, स्क्रब किया है, उसकी वजह से हमारे जो पोर्स ओपन हो चुके हैं उसको हम लोगों ने कवर करना है और साथ साथ बहुत अच्छा सा एक हमारे फेस पर जो पैक होगा वाइटनिंग भी देगा। और स्टार्ट करते हैं वो फेस पैक। तो गाइस जो हमारा जो फेस पैक है आप लोगों ने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। उसके बाद आप लोगों ने ऐड करना है रॉ मिल्क, 1 टीस्पून आप लोगों ने इसमें रॉ मिल्क ऐड करना है यानी कि कच्चा दूध। और 1/2 टीस्पून आप लोगों ने ऐड करना है लेमन पाउडर यानी कि नींबू के छिलके का जो पाउडर होता है, आप लोग घर में भी आराम से बना सकते हैं और ये आपको बाज़ार से भी किसी पंसार की शॉप से आराम से मिल सकता है। आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने ये जो एलोवेरा है इसके स्लाइस कट करके इसमें ऐड करने हैं। इस तरह से कट लगा लीजिए और इस तरीके से इसमें जो है हम तो गाइस जैसे कि मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर दिया था कटिंग कर आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये बहुत अच्छा था सा आप लोगों का फेस पैक तैयार हो चुका है। आप लोगों ने इस तरह से इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करना है। इस तरह से मैंने पूरे अपने हैंड पर इसको अप्लाई कर लिया है। इसी तरह से आप लोगों ने सेम अपने फेस पर अप्लाई करना है और इस तरह इसको ड्राई होने के बाद आप लोगों ने अपना फेस पैक वॉश करना है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना हैंड अच्छे से वॉश कर लिया था, मुझे मेरे हाथ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन लग रही है और बहुत ज़्यादा ही ब्राइट करी है। तो गाइस आप लोग भी ये होमने मेड फेशियल जो है ट्राई करें, बहुत ईजी तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और अपने फेस पर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।